गाइस, दिस इज अभिषेका हेयर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साई आयुर्वेद भवन। साई आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉनी हिल सिरप। आज मैं इस वीडियो में बॉनी हिल सिरप और टैबलेट दोनों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं बॉनी हिल के बारे में। अगर हम बॉनी हिल की प्राइस की बात करें आज की डेट की, तो ये इसके सिरप की जो प्राइस है वो ₹515 है और टैबलेट की प्राइस जो है वो ₹160 है फॉर 20 टैबलेट्स। ये जो है सिरप और टैबलेट्स दोनों फॉर्म में आती है। और अब जो है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिरप लेनी चाहिए या टैबलेट लेनी चाहिए, तो एक बात मैं बता दूं, सिरप और टैबलेट दोनों की फॉर्मेशन एक ही है, दोनों की फंक्शनिंग भी एक ही है, लेकिन जो लोग डायबिटिक है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि वो लोग सिरप ना लेके टैबलेट्स ले, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में शुगर हो सकती है, तो बेटर होगा कि डायबिटिक लोग जो है वो टैबलेट को ले और बाकी नॉर्मल लोग कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो टैबलेट हो सिरप हो, क्योंकि दोनों की फंक्शनिंग एक ही है। तो ये बॉनी हिल आखिर है क्या? बॉनी हिल हमें कैल्शियम, बॉनी हिल में काफी मात्रा में कैल्शियम होती है और इससे जो है हमें कैल्शियम मिलता है, ये बोन्स को स्ट्रांग बनाती है एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, जैसा कि कंपनी भी दावा करती है, और ये बोन्स ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपके बोन्स में फ्रैक्चर हुई है तो ये उसे जल्दी जोड़ने का भी काम करती है, तो उस पीरियड में भी बॉनी हिल को लिया जा सकता है अगर आपको फ्रैक्चर हुई है। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी आप इसे ले सकते हैं, जिसमें कि हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि लोग जो है उठने के लायक नहीं रहते हैं, उस कंडीशन में भी ये बॉनी हिल सिरप को लिया जा सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम देती है और हड्डियों को स्ट्रांग बनाती है। ये आपके दांतों के लिए, दांतों को भी मजबूती देती है और स्पेशली इन चिल्ड्रन, उनके दांत निकलने में भी ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उन्हें भी ये सिरप दिया जा सकता है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखती है, जिससे कि रिकेट जैसी गंभीर बीमारी को दूर रखती है। रिकेट हम सभी जानते हैं, ये बच्चों में होने वाली एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, जो कि जिसमें कि बच्चों के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और हड्डियां जो है वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है। इससे आपकी लीवर फंक्शनिंग भी ठीक रहती है, आपको भूख लगने में ये मदद करती है और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो जो कि आपकी ओवरऑल जो है फंक्शनिंग को ठीक करती है। ये जो है आपकी स्किन की खूबसूरती को बनाए रखने में मदद करती है और ये ओवरऑल आपकी जो है ये आपके स्किन की खूबसूरती को बनाए रखती है। ये बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि उनकी कैल्शियम की कमी को ये पूरी करती है। ये बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों में जो है कैल्शियम की कमी की वजह से अर्थराइटिस या गठियाबाद की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उन्हें जो है काफी सफर करना पड़ता है, तो बुजुर्गों को भी ये कैल्शियम जरूर लेनी चाहिए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम रहे। और इसे सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मेल फीमेल बच्चे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से बनाई गई है कि इसे कोई भी लोग ले सकते हैं, बस डोजेस अलग होंगे। तो जितनी भी सारी इसकी जो है प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी, इसके जो फायदे थे वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये अमिल कंपनी द्वारा बनाई गई है। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इट इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कवर पे ही लिखी गई है, तो ये सारे चीज भी आपको इससे मिलते हैं। तो आइए इसकी डोज की बात करते हैं। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो एडल्ट लोगों के लिए जो डोज है वो 2 टेबलस्पून ट्वाइस डेली है, और अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो थ्राइस डेली भी हो सकती है, यानी कि सुबह शाम आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो सुबह दोपहर शाम जो है 2-2 चम्मच आप ले सकते हैं। सेम आप जो है टैबलेट को भी 2-2 टैबलेट्स आप 2 टाइम्स ले सकते हैं या तो 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। देखिए डोज जो है वो डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम पे, कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है, कितनी कम है या ज्यादा है, तो उस पे ये डोज जो है सेट होती है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसकी डोज को जो है सेट करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बच्चों की डोज की, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों के डोजेस जो है वो एक्सीड नहीं होने चाहिए।
तो बच्चों में अगर हम बच्चों को देना चाहते हैं तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हाफ टेबल स्पून ट्वाइस अ डे है, यानी कि आधा चम्मच सुबह और शाम आपको 2 टाइम्स देनी है। और अगर बच्चे जो है 7 से 12 साल के हैं तो 1 टेबल स्पून ट्वाइस अ डे हो सकती है, यानी कि 1 टेबल स्पून आपको दिन भर में 2 बार देनी है, सुबह और शाम। और टैबलेट जो है वो 3 से 6 साल के बच्चों को न दे, और अगर 7 साल से 12 साल के बच्चों को टैबलेट देना चाहते हैं तो 1-1 टैबलेट दिया जा सकता है, और अदरवाइज आप बच्चों के लिए भी डॉक्टर से डोज सेट करवा सकते हैं। और ये जो है सारी जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगी, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसे लेकर के आज से ही अपने बोन डेंसिटी को सुधार सकते हैं। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।